गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज आप लोगों के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 यानी कि द्रव्य की दूसरी क्लास है। इसके पहले ऑलरेडी मेरे डियर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 2 यानी द्रव्य पर एक क्लास ले रखा हूँ, जिसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से कुछ टॉपिक को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कवर कराया है। आज की क्लास में डियर स्टूडेंट, आपके बाकी के जो बचे टॉपिक हैं, जैसे आपका पथनांक हो गया, वाष्पन हो गया, ऊर्ध्वपातन हो गया, और द्रव्य के अणुगत सिद्धांत के साथ साथ द्रव्यों में होने वाले परिवर्तन को हम लोग कवर करेंगे इन्हीं टॉपिकों को। उसके बाद से इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, टोटल क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा। यदि आपने हमारी इस चैप्टर पर आधारित पहली क्लास और आज की क्लास अच्छी तरीके से देख लेते हो, तो द्रव्य यानी कि मैटर से कहीं से भी किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, आपसे छूटेगा नहीं, क्योंकि मैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सारे टॉपिक को कवर कराते आ रहा हूं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है डियर स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट अभी तक हमारे चैनल कोडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे हमारी अपकमिंग आने वाली वीडियोज आपको मिलती रहे। सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, प्रत्येक टॉपिक को कवर कराऊंगा। क्लास में ही आपको सारे टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे, यदि आप पूरा वीडियो अच्छी तरीके से देखते हो तो। सबसे पहले 4 से 5 टॉपिक बचे हैं, उन टॉपिक को कवर करेंगे। उसके बाद से इस चैप्टर पर आधारित जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, टोटल क्वेश्चन को विद इन सेकंड आप सॉल्व कर पाएंगे, यदि आप दोनों वीडियो अच्छी तरीके से देख लिए होंगे, कल वाली वीडियो और आज का वीडियो। तो ध्यान से देखिएगा, हमारा लास्ट टॉपिक था कल की क्लास में कि क्वथनांक क्या होता है। तो सिंपल सी भाषा है डियर स्टूडेंट, गर्म करने पर जिस ताप पर द्रव का वायुमंडलीय दाब वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उसको हम बोलते हैं क्वथनांक। यानी कि गर्म करने पर जिस ताप पर द्रव का वो वायुमंडलीय दाब जो होता है वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उसको हम बोलते हैं क्वथनांक। सिंपल सा इसका डिफिनेशन है कि गर्म करने पर जिस ताप पर द्रव का जो वाष्प दाब है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसको हम बोलते हैं क्वथनांक। अब देखिए, क्वथनांक जो है अशुद्धि की उपस्थिति में जो आपको क्वथनांक होता है बढ़ जाता है। डायरेक्ट आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशुद्धि की उपस्थिति में क्वथनांक, ऑप्शन नंबर ए दिया रहेगा बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर बी दिया रहेगा घट जाता है, ऑप्शन नंबर सी दिया रहेगा नियंत्रण आता है, और ऑप्शन नंबर डी दिया रहता है बढ़ जाता है और घट जाता है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अशुद्धि की उपस्थिति में जो आपका क्वथनांक होता है वो आपका बढ़ जाता है। वहीं पर दूसरा पॉइंट क्वथनांक से एक क्वेश्चन बनता है कि दाब बढ़ाने पर जो आपका द्रव का क्वथनांक होता है, दाब बढ़ाने पर जो आपका क्वथनांक होता है वो आपका बढ़ जाता है, और दाब कम करने पर आपका क्वथनांक कम जाता है। यानी कि जैसे जैसे दाब बढ़ाएंगे क्वथनांक बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे दाब को आप घटाएंगे क्वथनांक घटता जाएगा। तो दोनों पॉइंट को आप बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा। पहला पॉइंट, अशुद्धि की उपस्थिति में जो आपका क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है, और दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ता है और दाब घटाने पर क्वथनांक घटता है। इसी क्वथनांक पर रिलेटेड आपके 2 एग्जांपल से क्वेश्चन और बनते हैं। पहला एक क्वेश्चन बनता है कि पहाड़ों पर पानी या खाना जल्दी गर्म क्यों हो जाता है, और प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है। ये दोनों एग्जांपल जो आपके बनते हैं क्वथनांक से रिलेटेड है। पहला, पहाड़ों पर खाना या पानी जल्दी गर्म क्यों हो जाता है। दूसरा, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पहाड़ों पर पानी या खाने की जो भी चीजें हैं जल्दी गर्म इसलिए हो जाती हैं कि वहां का वायुमंडलीय दाब जो होता है वो कम होता है,
पहाड़ों पर जो आपका वायुमंडलीय दाब जो होता है वो कम होता है। अब पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम होने का मतलब ये है कि कम ताप पर ही जो आपका वायुमंडलीय दाब होता है वाष्प दाब के बराबर होता है। पहाड़ों पर आपका वायुमंडलीय दाब कम होता है, तो जिसकी वजह से कम ताप पर ही आपका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। यही कारण है कि पहाड़ों पर आपका पहाड़ों पर आपका पानी हुआ या खाना हुआ जल्दी गर्म हो जाता है, क्योंकि वहां का वायुमंडलीय दाब कम होता है, जिससे कम ताप पर ही वायुमंडलीय दाब वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। यही कारण है कि पानी या खाना हुआ आपका पहाड़ों पर जल्दी गर्म या हो जाता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल से क्वेश्चन ये बनता है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है। तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी इसलिए बन जाता है, आपको भी पता है कि प्रेशर कुकर पूरी तरह से बंद होता है, जो आपका प्रेशर कुकर होता है पूरी तरह से बंद होता है। तो जब प्रेशर कुकर पूरी तरह से अच्छी तरीके से बंद होता है तो उसके अंदर का जो वाष्प होता है, प्रेशर कुकर के जो अंदर का वाष्प होता है वो बाहर नहीं निकल पाता है। अब प्रेशर कुकर के अंदर का जो वाष्प है वो बाहर नहीं निकलने की वजह से प्रेशर कुकर के अंदर का जो दाब है वो बढ़ जाता है। अब प्रेशर कुकर के अंदर का दाब जैसे ही बढ़ा तो जल का क्वथनांक भी बढ़ गया। अब जल का जैसे ही क्वथनांक बढ़ा उसी के कारण अंदर का ताप जो है वो प्रेशर कुकर का वो भी बढ़ जाता है, जिससे खाना जल्दी पक जाता है। तो सिंपल सा इसका कांसेप्ट है कि जो आपका प्रेशर कुकर होता है उसके अंदर का वाष्प तो बाहर निकलता नहीं है, और अंदर का वाष्प बाहर नहीं निकलने के कारण प्रेशर कुकर के अंदर का जो दाब होता है वो बढ़ जाता है, और जैसे ही अंदर का दाब बढ़ता है तो प्रेशर कुकर का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। अब क्वथनांक बढ़ने की वजह से प्रेशर कुकर के अंदर का दाब भी बढ़ जाता है, जिससे खाना जल्दी पक जाता है। सिंपल सा ध्यान में रखिएगा, एक लाइन में इसका आंसर है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी इसलिए बन जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेडिएशन वाष्पन किसे कहते हैं। तो किसी भी ताप पर द्रव को वाष्प में बदलने की क्रिया को हम वाष्पन कहते हैं। किसी भी ताप पर यदि आपका द्रव वाष्प में बदल रहा है तो इस क्रिया को हम वाष्पन कहते हैं कि वॉइलिंग कहते हैं। जैसे पानी गर्म करते हो ना, तो पानी आपका क्या है, एक प्रकार का द्रव है, तो इसको कुछ ना कुछ तो ताप देते हो पानी को गर्म करने के लिए। तो किसी भी ताप पर द्रव को वाष्प में बदलने की क्रिया को आप लोग क्या कहते हो, वाष्पन कहते हैं। जैसे पानी को गर्म करते हो तो जब कुछ टाइम बाद जब पानी गर्म हो जाता है तो धीरे धीरे उससे वाष्प निकलने लगता है। तो वही एग्जाम्पल है कि किसी भी ताप पर द्रव को वाष्प में बदलने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। अब देखो, जो आपके वाष्पन की द्रव है, द्रव के सतह पर भी निर्भर नहीं करती है, वायुमंडल के ताप पर भी निर्भर नहीं करती है, और वायु के घनत्व पर भी निर्भर नहीं करती है। तो तीनों बातें आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका वाष्पन की दर है द्रव के सतह के क्षेत्रफल पर ना तो निर्भर करती है, ना तो वायुमंडल के ताप पर निर्भर करती है, और ना तो द्रव के घनत्व पर निर्भर, सॉरी वायु के घनत्व पर निर्भर करती है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपका होता है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन से डियर स्टूडेंट आपकी एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऊर्ध्वपातन होता क्या है, कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जो गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में आए डायरेक्ट गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में होता क्या है कि कुछ ठोस पदार्थ ऐसे पाए जाते हैं जो गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में आए डायरेक्ट वह गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रिएक्शन ऊर्ध्वपातन। जैसे हम आपको बताते हैं एग्जांपल से, जैसे ये आपका हो गया साली, उसके बाद से आपका हो गया लिक्विड, उसके बाद से आपका हो गया गैस। तो कुछ ठोस पदार्थ ऐसे पाए जाते हैं
जो कि गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में आए डायरेक्ट एक ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं उद्वाहक। जैसे एग्जांपल के रूप में आप देख सकते हैं कपूर हुआ, तो कपूर को जब आप जलाते हो डियर स्टूडेंट तो यह द्रव अवस्था में नहीं आता, डायरेक्ट यह गैसीय फॉर्म में चेंज हो जाता है, यानी गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार से नौसादन के ले लो और नमक के ले लो, तो यह इसके एग्जांपल है उद्वाहक के। वाला आपका क्या है, वाला आपका है कपूर, दूसरा आपका एग्जांपल है नौसादन, और तीसरा आपका एग्जांपल है नमक। तो उद्वाहक के यह तीन एग्जांपल है, डायरेक्ट आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि उद्वाहक है, चार ऑप्शन दिया रहेगा कपूर, उसके बाद से सल्फर, मैग्नीशियम और कोई भी दे दिया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कपूर, नौसादन और जो नमक होते हैं उत्पादन का एग्जांपल है। कपूर का हम यदि हम बात करें, कपूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C10H16O, ये आपका कपूर का रासायनिक सूत्र होता है C10H16O। वहीं पर जो नौसादन का रासायनिक सूत्र होता है डियर स्टूडेंट, ये आपका होता है NH4Cl। क्या होता है, NH4Cl जो होता है वो नौसादन का रासायनिक सूत्र होता है। और नमक आपका पता है आयोडीन यानी कि I2 होता है, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 53 होता है। तो तीनों बातें अच्छी तरीके से ध्यान में रखना कि कपूर, नौसादन और नमक उद्वाहक के एग्जांपल है। और उद्वाहक होता क्या है, उद्वाहक एक ऐसी क्रिया है जिसमें ठोस पदार्थ को गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में आए डायरेक्ट गैस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं उद्वाहक। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायरेक्शन द्रव का अणुगत सिद्धांत। तो द्रव का अणुगत सिद्धांत होता क्या है, तो द्रव के अणुगत सिद्धांत के अनुसार जो आपका द्रव्य होता है अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जो आपका द्रव्य होता है डायरेक्शन अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं। द्रव्य जो आपका होता है अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अणु कहते हैं। उसके बाद से एक ही द्रव्य के समस्त अणु जो होते हैं गुणधर्मों में समान होते हैं। एक ही द्रव्य के जो समस्त अणु होते हैं गुणधर्मों में समान होते हैं, लेकिन भिन्न भिन्न द्रव्यों के अणु जो होते हैं गुणधर्मों में भिन्न भिन्न होते हैं। यानी कि यदि आपका एक ही प्रकार का द्रव्य है तो उसके जो समस्त अणु होंगे गुणधर्मों में समान होंगे, लेकिन यदि आपका भिन्न भिन्न टाइप का द्रव्य है तो गुणधर्मों में भी भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, तो द्रव्यों के अणुओं के बीच कुछ स्थान होता है जिसको हम बोलते हैं अंतरा आणविक स्थान। ये तो डिफिनेशन हो गया, जो कि आपको जानकारी के लिए कि द्रव्यों के अणुओं के बीच कुछ स्थान होता है जिसको हम अंतरा आणविक स्थान कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं द्रव्यों में होने वाले परिवर्तन। तो द्रव्यों में जो होने वाले परिवर्तन है वो दो प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है भौतिक परिवर्तन, दूसरा आपका होता है रासायनिक परिवर्तन। बिल्कुल सिंपल सा कांसेप्ट है कि जो द्रव्यों में होने वाले परिवर्तन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला आपका होता है रिएक्शन भौतिक परिवर्तन और दूसरा जो आपका होता है रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन होता क्या, तो हमेशा सिंपल सा कांसेप्ट ध्यान में रखिएगा कि भौतिक परिवर्तन में कभी भी आपका नया पदार्थ नहीं बनता। भौतिक परिवर्तन में कभी भी आपका नया पदार्थ नहीं बनता है, सिंपल सी परिभाषा है कि भौतिक परिवर्तन में कभी भी आपका नया पदार्थ नहीं बनता है। अब नया पदार्थ ना बनने का मतलब ये है कि आपका द्रव के आपका द्रव के स्वरूप और भौतिक गुण में कोई बदलाव नहीं होता है। बस भौतिक परिवर्तन का मतलब यह है कि कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, यानी कि द्रव के स्वरूप और भौतिक गुण धर्म में कोई बदलाव नहीं होता है। वहीं पर हम बात करें रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, तो रासायनिक परिवर्तन में डिएजुमेंट हमेशा एक नया पदार्थ बनता है। कभी भी यदि आपका रासायनिक परिवर्तन होगा तो हमेशा एक नया पदार्थ बनता है। अब नया पदार्थ बनने का मतलब यह है कि द्रव्य के स्वरूप और रासायनिक गुणधर्म में बदलाव हो गया है। ठीक है, ये बात आपको समझ रहा है कि भौतिक परिवर्तन में
नया पदार्थ नहीं बनता है और रासायनिक परिवर्तन में हमेशा एक नया पदार्थ बनता है। ठीक, जैसे हम भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल देखें तो जैसे आपका विद्युत बल्ब का बनना एक भौतिक परिवर्तन है, उसी प्रकार से नमक या चीनी का पानी में घुलना भौतिक परिवर्तन है, उसी प्रकार से आपका वाष्प का बनना भौतिक परिवर्तन है, बादलों का बनना भौतिक परिवर्तन है, उसी प्रकार से आपका आयोडीन का उत्पादन एक भौतिक परिवर्तन है। यानी कि भौतिक परिवर्तन में कभी भी आपका कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता। जैसे आपका बल्ब का जलना तो नया पदार्थ तो बनना है, जैसे आपका बल्ब का जला जब आप स्विच ऑफ किए तो बल्ब तुरंत बुझ गया, यानी कि आपका नया पदार्थ कोई भी जनरेट नहीं हो रहा है। यानी कि द्रव्य के स्वरूप और भौतिक गुणधर्म में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। वैसे ही आप एग्जाम्पल देख सकते हैं बर्फ का भी गलना, तो जैसे आपका बर्फ पिघलेगा तो आपका द्रव फॉर्म में चला जाएगा, यानी कि बर्फ पिघलेगा तो आपका पानी बन जाएगा, लेकिन पानी को जैसे आप ठंडा करोगे तो पुनः बर्फ बन जाएगा। यानी कि आपका कोई भी नया पदार्थ नहीं बना, यानी कि पदार्थ के या द्रव्य के स्वरूप और भौतिक गुणधर्म में कोई बदलाव नहीं हुआ। उसी प्रकार से हम रासायनिक परिवर्तन की बात कर लेते हैं तो इसका एग्जाम्पल हो गया मोमबत्ती का जलना। तो मैंने क्या बताया, रासायनिक परिवर्तन में हमेशा एक नया पदार्थ बनता है। जैसे आप मोमबत्ती को जलाएं तो मोमबत्ती के आकार यानी कि स्वरूप और रासायनिक गुणधर्म में बदलाव हो गया, क्योंकि जब मोमबत्ती एक बार जल चुकी होती है तो उसको यदि आप पुनः वैसे ही मोमबत्ती बनाना चाहें तो नहीं बना पाएंगे। उसी प्रकार से जैसे आपका जंग लगना, जैसे किसी भी लोहे पे यदि आपका जंग लग जाता है तो पूरी तरह से जो आपका लोहा होता है पहले की तुलना में हल्का हो जाता है। तो जंग लगने के बाद जो लोहा होता है और जो प्रारंभ में लोहा होता है दोनों में कुछ ना कुछ बदलाव होता है। यानी कि पहले उसकी मोटाई कुछ और थी, जंग लगने के बाद उसकी मोटाई कुछ और हो गई, यानी कि हमेशा एक नया पदार्थ का जनरेशन हो रहा है। उसी प्रकार से जैसे दूध का, दूध से दही का बनना, ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। यानी कि आप दूध से तो दही बना सकते हो लेकिन दही से आप दूध नहीं बना सकते हो, यानी कि आपका एक नया पदार्थ बन रहा है कि दूध से हम दही को बना रहे हैं, तो यह आपका रासायनिक परिवर्तन हो गया, क्योंकि आप दही से तो दूध नहीं बना सकते। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है, डायरेक्ट एग्जाम्पल से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम डियर स्टूडेंट इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको बताते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा है कौन सी वस्तु द्रव्य नहीं है, तो मैंने क्या बताया, द्रव्य का डेफिनेशन मैंने आपको बताया था कि द्रव्य एक ऐसी चीज है जिसमें कुछ ना कुछ भार होता है और कुछ ना कुछ स्थान व्यक्ति है और जिसका कुछ ना कुछ आयतन होता है। तो चारों ऑप्शन को आप देखिएगा, तो कोयला भी आपका द्रव्य है क्योंकि इसका कुछ ना कुछ भार होगा और जहां भी रखेंगे कुछ ना कुछ स्थान गिरेगी। उसी प्रकार से हम प्रकाश की बात करें तो जो आपका प्रकाश है एक प्रकार का द्रव्य नहीं है, क्योंकि प्रकाश का ना तो कोई भार होता है ना तो कोई आयतन यह कवर करता है, ना तो कोई यह आयतन कवर करता है ना तो कोई भार होता है। तीन चीजें मैंने आपको बताया था, एक आपका प्रकाश हो गया, दूसरा आपका ध्वनि हो गया और तीसरा आपका समय हो गया। तो ध्वनि, प्रकाश और समय ये द्रव्य में नहीं जाते क्योंकि इनका ना तो कोई भार होता है ना तो ये स्थान देते हैं। तो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दूसरा पूछा है यम ग्राम द्रव्यमान के लुप्त होने पर उत्पन्न ऊर्जा होगी, तो यम ग्राम द्रव्यमान के लुप्त होने पर जो उत्पन्न ऊर्जा होगी वो आपको किसके बराबर होता है, एम सी स्क्वायर के बराबर होता है। किसके, एम सी स्क्वायर के बराबर होता है, यानी क्वेश्चन नंबर टू का ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रकृति में जल किस अवस्था में पाया जाता है, तो प्रकृति में जल आपका किस अवस्था में पाया जाता है, तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस में भी पाया जाता है, द्रव में भी पाया जाता है, गैस में भी पाया जाता है, यानी क्वेश्चन नंबर थ्री का ऑप्शन नंबर सी सही होता है। क्वेश्चन नंबर फोर आपका है ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है, तो ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा कैसी होती है, ठोस अवस्था में जो अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है द्रव की तुलना में कम होती है। जैसे ये आपका सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया और वेपर हो गया, तो
ठोस अवस्था में जो अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है नाभिकीय विद्युत, वो आपका द्रव के अणुओं से कम होती है। यानी कि हम बात करें सबसे अधिक अणुओं की गतिज ऊर्जा किसकी होती है, गैस का, ठीक, उससे कम होता है लिक्विड का यानी द्रव का, और सबसे कम होता है ठोस का। यानी कि ठोस अवस्था में जो अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है द्रव से कम होती है। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है अंतरा अणु बल अधिक होता है, तो अंतरा अणु बल जो अधिक होता है डियर स्टूडेंट वो आपका ठोस में होता है, अंतरा अणु बल अधिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है डियर स्टूडेंट जिस ताप पर द्रव के वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं। तो मैंने आपको डेफिनेशन बताया कि गर्म करने पर जिस ताप द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वथनांक बोलते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी सही होगा। गर्म करने पर जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे हम क्वथनांक बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। गलनांक क्या होता है, तो गलनांक मैंने सीधे बनाया कि ठोस से द्रव में परिवर्तन होता है, यानी कि जिस ताप पर ठोस द्रव में बदलता है उसको गलनांक बोलते हैं। हिमांक क्या होता है, द्रव से ठोस में बदलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर उसको अणुओं की ऊर्जा में होगी, तो किसी भी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर उसकी अणुओं की ऊर्जा में वृद्धि होती है, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है निम्न धातु जिन वस्तुओं का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित, यानी आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार अनिश्चित है, उसको हम क्या बोलते हैं, द्रव बोलते हैं, क्योंकि द्रव का आयतन निश्चित होता है और आकार अनिश्चित होता है। आकार अनिश्चित इसलिए होता है क्योंकि जिस पात्र में आप रखेंगे, जिस बर्तन में आप रखेंगे उसी बर्तन का रूप ले लेता है, इसलिए आकार अनिश्चित आयतन निश्चित होता है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है अंतरा अणु बल नगण्य होता है, तो अंतरा अणु बल जो आपका नगण्य होता है डियर स्टूडेंट वो आपका किस में होता है, ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है ठोस में, ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है द्रव में, ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है गैस में। तो ध्यान रखिएगा अंतरा अणु बल नगण्य होता है गैस में, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है डियर स्टूडेंट प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है, तो मैंने एक लाइन में आपको आंसर दिया था क्योंकि जल का पकनांक बढ़ जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है डियर स्टूडेंट 12 है आपका डियर स्टूडेंट एक आपका क्वेश्चन छूट गया इसको भी देख लीजिएगा। बोला है निम्न पदार्थ उत्पादन है, तो कपूर और क्या बताया था, आयोडीन नौसागर एक उत्पादन विज्ञापन है, इसके अलावा नेफ्थलीन भी देख लीजिएगा। यानी कि कपूर आयोडीन नौसागर और नेफ्थलीन ये चारों जो पदार्थ हैं उत्पादन के एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में आपको नौसागर दे रखा है, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं गैस द्रव की वह अवस्था है, तो गैस द्रव की वह अवस्था है जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है, गैस द्रव की वह अवस्था है जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। क्वेश्चन नंबर 13 आता है निम्न में से उत्पन्न है, तो उत्पन्न क्या होता है Na2CO3 × PH2, यानी कि सोडियम कार्बोनेट जो होता है एक प्रकार का उत्पन्न है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है बिना गर्म किए किसी ताप पर किसी द्रव की सतह से अणुओं को धीरे धीरे वायु में मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। किसी ताप पर किसी द्रव की सतह से अणुओं को धीरे धीरे वाष्प में मिलने की क्रिया को हम वाष्पन कहते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है जब वर्फ पिघलती है तो अणुओं की स्थिति ऊर्जा, तो जब आपकी वर्फ पिघलती है तो अणुओं की गतिज जो ऊर्जा होती है वो तो आपकी बढ़ती है,
जब वर्ग पिघलती है तो अणुओं की जो आपकी गतिज ऊर्जा है वो तो आपकी बढ़ती है, लेकिन जो आपकी स्थिति ऊर्जा होती है ना वो घटती है। यानी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, उत्पादन में सर्वप्रथम कौन सी क्रिया होती है? तो उत्पादन में जो सबसे पहली क्रिया होती है कर्मी पाकर अणुओं की गतिज ऊर्जा में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। यह उत्पादन का सबसे पहला स्टेप होता है कि गर्मी पाकर अणुओं की गतिज ऊर्जा में अत्यधिक वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है, निम्न में से कौन सा युग्म यौगिक को प्रदर्शित करता है? तो ध्यान से देखना, क्या आप शहद एवं नमक को एक यौगिक मानते हो? शहद में नमक मिला सकते हो या मिलाया नहीं जाता? ऑप्शन नंबर बी आपका है, दूध एवं पानी, यानी कि दूध और पानी एक यौगिक को प्रदर्शित करते हैं? नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका है, शहद एवं पानी, यानी कि शहद में पानी मिलाना क्या एक यौगिक है? नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पानी एवं साबुन। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है, भूगर्भ में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है? तो भूगर्भ में सबसे अधिक मात्रा में जो पाई जाने वाली धातु होती है वो आपका एल्यूमिनियम होता है। एल्यूमिनियम की हम बात करें परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 13 होता है। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, एल्यूमिनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो आपका कितना होता है? एल्यूमिनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो आपका 13 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जल में घुलनशील अशुद्धियां, तो मैंने आपको बताया था कि जो जल में घुलनशील अशुद्धियां होती हैं उसके क्वथनांक को क्या करती हैं? बढ़ा देती हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपका है, नौसागर और नमक को पृथक किया जा सकता है? तो नौसागर और नमक को उर्ध्वपातन द्वारा पृथक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपका है, निम्नलिखित में से मिश्रण है, तो मिश्रण क्या है ये आपको बताना है, आप कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपका है, निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है, होता है कि निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो ध्यान से चारों ऑप्शंस को देखो, कोयले का जलना तो ये तो आपका रासायनिक परिवर्तन है, दूसरा दूध का सड़ना ये भी रासायनिक परिवर्तन है, तीसरा वाष्प का जो बनना है ये आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं है, भौतिक परिवर्तन है। वाष्प का जो बनना है रासायनिक परिवर्तन नहीं है, भौतिक परिवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपका है, धातु के बर्तन में रखा दूध निम्न में से किस परिस्थिति में सर्वाधिक शीघ्रता से ठंडा हो जाएगा? तो धातु के बर्तन में रखा दूध तब जल्दी ठंडा होगा जब हम बर्तन के चारों तरफ बर्फ को लगा दें। क्वेश्चन नंबर 24 आपका है, निम्न में से कौन सा तत्व है? देखो सिलिका दिया है, कांच दिया है, मैग्नीशियम दिया है, इनमें से कोई नहीं दिया है। तो इनमें से आप चारों देखेंगे, एक आपका सिलिका है, एक आपका कांच है, ना तो सिलिका तत्व है क्योंकि सिलिका का सूत्र क्या होता है SiO2। तो आप तत्व किसको मानते हो? तत्व जो होता है आपका हमेशा प्योर सब्सटेंस से बना होता है, जो आपका तत्व होता है हमेशा शुद्ध पदार्थ से बना होता है, लेकिन इसमें तो आपका सिलिका भी मिला हुआ है, यानी ऑक्सीजन भी मिला हुआ है, ये तो आपका तत्व नहीं है। दूसरा आपको दे रखा है रिएक्शन कांच, तो जो आपका कांच है ये भी आपका तत्व नहीं है क्योंकि यह एक से अधिक तत्वों से मिलकर बना है। तीसरा आपको दे रखा है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में केवल और केवल एक ही तत्व है यानी कि प्योर सब्सटेंस है, शुद्ध पदार्थ है, इसलिए यह तत्व है। यानी क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपका है, अंतरा अणु स्थान अधिक होता है, तो अंतरा अणु स्थान जो सबसे अधिक होता है वो आपका गैस में होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी सही होता है। इस तरीके से डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में मैंने आपको मैटर यानी कि द्रव्य की कुछ जो बचे चार पांच टॉपिक थे उनको कवर करते हुए इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं टोटल क्वेश्चन को थ्योरी और क्वेश्चन के माध्यम से मैंने कवर कराने का प्रयास किया है। फिर भी यदि आपको किसी भी टॉपिक में या किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।